हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बातें करेंगे लार्ज, मल्टी एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे। कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट सूट करेगा और हमें एक बेहतर रिटर्न देगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क जो होती हैं वो वैरी करती हैं फ्रॉम वन इक्विटी फंड कैटेगरी टू अनदर। तो कौन सा फंड कैटेगरी हमारे लिए बेस्ट सूट होगा, आज हम उस पर बातें करेंगे। किन इन्वेस्टर्स को स्मॉल मिड कैप पे जाना चाहिए या मल्टी कैप पे जाना चाहिए या लार्ज कैप पे जाना चाहिए, एंड देन हम अपने फाइनल थॉट्स लेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और एक्सपेक्टेशन रिटर्न काफी हाई है, देन आप टॉप रेटेड स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स पे जा सकते हैं, बिकॉज इट कुड बी अ रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर यू। क्योंकि आप जब रिस्क ले सकते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। ऑफकोर्स जहां रिटर्न ज्यादा है वहां रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ता है, बट वो आपको काफी अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, चाहे हम इस मार्केट में नए हो चाहे हम एक्सपर्ट हो, आपको बताना चाहूंगी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अलाउ करती हैं एक हैसल फ्री अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इन्वेस्टर्स। हर टाइप के इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपने मनी को पुट कर सके एक डिफरेंट एसेट क्लासेस में। एक सबसे अच्छी बात आज मैं आपको बताऊंगी, कंपनीज जो रैंक होती हैं 1 to 100 में वो लार्ज कैप्स में आती हैं, जो कंपनी रैंक होती हैं फ्रॉम 101 to 250 में वो आती हैं मिड कैप्स में, और 251 ऑनवर्ड्स हो जाती हैं स्मॉल कैप्स। चलिए जानते हैं किन इन्वेस्टर्स को स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। दोस्तों, हमने अभी ही बात की कि जो यंग इन्वेस्टर्स है, जो काफी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, जिनका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो काफी हाई है और वो उनका रिस्क एपेटाइट काफी अच्छा है, तो वो टॉप रेटेड स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स पे जा सकते हैं, बिकॉज ये काफी रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगी उनके लिए, उनको काफी डिजायर्ड रिजल्ट देगी। एक तो सबसे अच्छी बात कि जब वो अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो काफी लॉन्ग होता है, उस वजह से उनकी जो रिटर्न्स है वो ग्रो करती हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उनका जो रिजल्ट होता है वो काफी अच्छा मिलता है उनको। साथ ही इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका जो रिस्क है वो भी काफी मिनिमाइज हो जाता है। दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक लॉन्ग पीरियड होता है, बट लेटर हम जब मिडिल एज ग्रुप में अप्रोच करते हैं, हमारा जो एक फोकस होता है इन्वेस्टमेंट फोकस, वो जरूर शिफ्ट होना चाहिए ग्रेजुअली फ्रॉम हायर रिस्क टू लोअर रिस्क, कंपैरेटिवली लोअर रिस्क और लेस वॉलेटाइल फंड्स में, वो तब भी हमें एक अच्छा रिटर्न देती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं किन इन्वेस्टर्स को मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में सेबी ने जारी किया था एक सर्कुलर जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मिनिमम एलोकेशन टू इक्विटी शुड बी 75% ऑफ द कॉर्पस इन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अगर आपको रिस्क कम चाहिए एंड रिटर्न स्टेबल चाहिए, और रिस्क वो स्मॉल और मिड कैप की तरह नहीं चाहिए और रिटर्न भी काफी ज्यादा ना होने से भी चलेगा, देन मल्टी कैप इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। मल्टी कैप कंपैरेटिवली आपको लोअर रिटर्न देती है इन दिस स्टेबल मार्केट, बट अगर मैं बात करूं वॉलेटाइल मार्केट की, तब भी वो आपको अच्छा रिटर्न देती है बिकॉज वो लो रिस्क कैरी करती है। ये फंड्स एक वेल डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप खोज रहे हैं कोई ऐसा फंड जो मार्केट वोलेटिलिटी को एडजस्ट करे बाय स्विचिंग एलोकेशन फ्रॉम लोअर टू मिड कैप एंड मिड कैप टू लार्ज कैप, देन मल्टी कैप फंड कुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। चलिए जानते हैं लार्ज कैप फंड में कौन इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं। अगर आप मिडिल एज ग्रुप में हैं और एक हायर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं बट आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क काफी लो चाहिए, देन लार्ज कैप इज द राइट चॉइस फॉर यू। लार्ज कैप फंड्स वॉलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल रिटर्न देती हैं। ये फंड्स काफी लोअर रिस्क कैरी करती हैं और एक मॉडरेट रिटर्न देती हैं। अगर आप रिटायरमेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या एज अ मिडिल एज इन्वेस्टर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा है, या एज अ यंग इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट पे तो जाना चाहते हैं बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, देन लार्ज कैप फंड इज द करेक्ट चॉइस फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। चलिए फाइनल थॉट्स ले लेते हैं। देखिए, लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटली बेस्ड डिपेंड करते हैं आपकी फाइनेंशियल गोल्स पे। अगर आपका फाइनेंशियल गोल काफी लॉन्ग टर्म है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, देन आप जा सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप पे। अगर आपका फाइनेंशियल गोल
मिड टू लॉन्ग टर्म है देन यू कैन गो फॉर मल्टी कैप, बट अगर आपका फाइनेंशियल गोल मिड टर्म है तो आप चले जाइए लार्ज कैप पे, आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है एंड रिस्क काफी कम होता है। साथ ही आपको अपने एलोकेशन को जरूर शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम स्मॉल मिड कैप टू मल्टी कैप एंड देन टू लार्ज कैप एज यू ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे आप अपने मिडिल एज की तरफ अप्रोच करते जाते हैं वैसे ही आप अपने एलोकेशन को जरूर शिफ्ट करें विद अ चेंज इन योर रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक छोटा सा थम्स अप दीजिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।